हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं मैकेनिकल मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप स्टेटस में फोटो के साथ गाना कैसे लगाया जाता है। जैसे कि हम अपने व्हाट्सएप पर किसी फोटो को ऐड करते हैं, हम है जो अपनी उस फोटो के साथ म्यूजिक लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर है जो कहीं पर भी म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कैसे बहुत ही आसानी से किसी भी फोटो के साथ म्यूजिक ऐड किया जा सकता है, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आप सभी को ऐसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी जो आप सभी के काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। तो दोस्तों, व्हाट्सएप स्टेटस में फोटो के साथ म्यूजिक ऐड करने के लिए आप सभी को एक एप्लीकेशन की जरूरत है जो पड़ेगी। तो उसके लिए आप सभी ने क्या करना है, अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी ने सर्च कर लेना है काइन मास्टर एप्लीकेशन को, और इसके बाद आप सभी ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। एप्लीकेशन ओपन होते ही यहाँ पर हम इस इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप सभी ने प्लस वाले सिंबल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें जो रेशो को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर हमारे फ़ोन की गैलरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप सभी ने यहाँ से अपनी फ़ोन की गैलरी में से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसके साथ आप म्यूज़िक को ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैं आप सभी को इस फोटो के साथ म्यूज़िक ऐड करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आप फोटो की लेंथ अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी हमने जो इस फोटो के साथ म्यूज़िक है जो ऐड करना है, तो म्यूज़िक को ऐड करने के लिए आप सभी को यहाँ पर ऑडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सभी के मोबाइल की गैलरी में जितने भी गाने होंगे आप सभी को यहां पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपने उस म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेना जिसे आप इस फोटो के साथ ऐड करना चाहते, और उसके बाद हम प्लस पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद ये म्यूजिक फोटो के नीचे है जो आ जाएगा। तो म्यूजिक ऐड हो जाने के बाद हमने क्या करना, जो म्यूजिक एक्स्ट्रा है उसे जो हमने ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के लिए वन टाइम म्यूजिक के ऊपर प्रेस करेंगे और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन साइड पर ओपन हो जाते हैं, तो यहां पर आप सभी को ट्रिम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमने यहां पर ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद म्यूजिक भी बिल्कुल फोटो के नीचे बराबर आ जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं म्यूजिक है जो फोटो के साथ ऐड हो चुका है। प्ले करके भी आप सभी को दिखा देता हूं। फिलहाल यहां पर कॉपीराइट की वजह से मैंने वॉल्यूम है जो बंद करके रखी हुई है, लेकिन यहां पर म्यूजिक प्ले हो रहा है। और उसके बाद हमने जो इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप सभी को मीडिया के ऊपर ही राइट साइड में एक एरो नजर आएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सभी ने यहां से जो रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना है, और यहां पर अभी मैंने 480p सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद हमारी ये वीडियो है जो एक्सपोर्टिंग होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, और यहां पर आप सभी को नीचे ही आपकी गैलरी में जो अपनी वीडियो अभी एक्सपोर्ट की है आपको फर्स्ट पे ही नजर आ जाएगी। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर इसे सिलेक्ट करके ऐड कर लिया है, और उसके बाद हमने जो सिंपल इसे है जो स्टोरी में डाल लेना है, जिसके बाद आपकी फोटो के साथ म्यूजिक ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को यूज करके आप सभी व्हाट्सएप पर स्टेटस में फोटो के साथ म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे की आने वाली वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।